नमस्कार, आप देख रहे हैं गाजीपुर का पन्ना। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। यूपी के गाजीपुर जिले के थाना कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार को यातायात नियमों का पालन कराने की दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय से अफीम फैक्ट्री होते हुए महुआबाग तक पैदल गश्त रूट मार्च किया गया और संदिग्ध वाहनों, संदिग्ध वस्तुओं, संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली गई। इस दौरान दो पहिया चार पहिया वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। चार पहिया वाहनों में काली फिल्म लगाकर चलने वाले वाहनों से काली फिल्म उतरवाई गई थी तथा यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहनों का चालान किया गया। इस दौरान सीओ सिटी शहर कोतवाल गाजीपुर और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। डिप्लिंग वाले का चलान क्या है? साइन में नहीं आ गया था, अश्वनी तरह से लगा सारी फोटो की ली कलाकार। चलिए नीचे देखिए, ये दोनों के लिए सड़क सुरक्षा के लिए भी है। लोगों को बताया जा रहा, भी चेतावनी दी जा रही है कि वो जब भी दोपहिया वाहन में चलते हैं तो तीन सवारी न चलें और हेलमेट लगा करके चलें, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 10% से कमी लाई जाए, लेकिन उसमें बढ़ोतरी हो रही, इसे कम करना भी है। साथ में लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करने के लिए, अपराधियों पर दहशत के लिए फिर चेकिंग भी की जा रही है और लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि किसी के साथ बातचीत भी करके कि किसी के साथ अगर कोई दिक्कत है तो हमसे बता भी सकते हैं, ताकि कानून व्यवस्था भी बनी रहे और शांति व्यवस्था बनी रहे। अभी सर आपके चेकिंग अभियान में देखा जा रहा था तो बहुत सारे नाबालिग तीन तीन ट्रिपलिंग सवारी भी करके जा रहे थे, तो ऐसे में क्या किया गया? ऐसे में देखिए, हमने इनका फोटो ले लिया, इनका एड्रेस निकाल करके इनके गार्जियन को भी हम सलाह देंगे कि जब तक उनके बच्चे 18 साल से ऊपर ना हो जाए, उनका ड्राइविंग लाइसेंस ना बन जाए, तब तक उनसे वाहन न चलवाएं, क्योंकि इससे उनके लाइफ का खतरा है, दूसरे का भी खतरा है। वो जिसका किसी का एक्सीडेंट भी कर सकते हैं और उसका एक्सीडेंट हो भी सकता है। सर ये अभियान लगातार चलेगा? हाँ, ये अभियान लगातार चलेगा।